الجزائر एक भी बीजेपी के नेता का स्टेटमेंट नहीं आया पहलवानों के मामले के अंदर। बीजेपी चुप, इनके सारे नेता चुप, तो समझौता करने अनुराग ठाकुर वगैरह आए थे वो भी चुप, लेकिन देश का नौजवान इनके साथ है। और हमें लगता है कि मोदी सरकार को झुकना होगा अग्निपथ के मामले में भी और पहलवानों के मामले में। कांग्रेस सरकार महंगाई राज, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, एक दूसरे पे जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, अब तो FIR भी हुई है। गजेंद्र सिंह शेखावत वर्सेस सीएम अशोक का इस तरह आप देखिए, पहले तो लोग हमारे लिए कहते थे हनुमान जी चाहे जो बोल जाते, पहले आज से 10 साल पहले मैंने देखा था। लेकिन मैं तो कितना आपको बताया कि हर चीज ढंग से बात भी करता हूँ, सारी बात आपने देखी भी होगी। और अगर बोल देते तो उनसे बेक भी नहीं होते। मैंने नेताओं को देखा है, बात बोल भी देते हैं, माफ़ी भी मांग लेते हैं, वापस भी हो जाते हैं, कहते हैं जुबान फिसल गई, ये भी रोज की हो गई। और लोग छोटी प्रसिद्धि पाने के लिए, पॉपुलरिटी के लिए चाहे जो बयान दे देते, आदत पड़ गई नेताओं की। मैंने देखा है करीब करीब यही आदत है कि पॉपुलरिटी कैसे मिले, तो चाहे जैसी भाषा का इस्तेमाल करते। ये शर्मनाक बात है, जिस तरह भाषा का स्तर गिरता जा रहा है देश के अंदर, ये चिंता का विषय। जो नेताओं की एक इमेज है वो दिनों दिन गिरती जा रही है। कांग्रेस के कांग्रेस के महंगे पायलट को लेकर क्या कहेंगे सचिन पायलट? ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पे आप बता दीजिए। दोनों तो है ही नहीं पायलट का, तब क्या घटनाक्रम? अगर वो बीजेपी कांग्रेस छोड़ के बाहर आते तो उनका कोई भविष्य है? कांग्रेस के अंदर रहते हैं तो कुछ भी नहीं, जीरो हो जाएंगे कांग्रेस का। बाहर आते हैं तो RLP गठबंधन के तैयार थे, लेकिन मुझे नहीं लगता वो बाहर आएंगे। ये तो हिम्मत राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की थी, जिसने क्षेत्रीय पार्टी बनाई, संघर्ष किया, पंचायत चुनाव से पालिका चुनाव, और अब फिर मैदान के अंदर उतरा। पार्टी बना के लड़ने में बहुत जोर आता है, बहुत हौसला और हिम्मत चाहिए। जो लोग कह रहे हैं मैं आज कर रहा हूँ, कल कर रहा हूँ, 6 महीने बाद कर रहा हूँ, होली आ रही है, दिवाली आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कर्नाटक चुनाव हो रहा है, मुझे लगता है पार्टी बना पाएगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।